गाइस, आज एक और दुशासन ने अपनी जंगा पर एक लड़की को बिठाया हुआ है, वो भी हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर की लड़की है। हाँ इन्हें अपनी जंगा से प्यार नहीं है, ये चाहते हैं कि वो टूट जाए, इसीलिए इन्होंने अरे सोचा कि भाई हल्की फुल्की तो है, कम से कम 50-60 किलो वजन और बढ़ जाए तब हम सोचेंगे। ये आदमी मेरे को बस चढ़ा सकता है, बिल्कुल टाइम नहीं देते, कहीं वॉक वॉक करके आ जाऊं मैं, सारे दिन बस वो बच्चे सब से भागते बेकार के रहती काम हूँ। है, सब मोह माया है, सब मोह माया है। जीवन में आनंद सिर्फ इतना है, हंसते रहो, हंसाते रहो, खाते रहो, पीते रहो, मौज लो, सैर करके तकलीफ मत दो, जिम जाकर शरीर मत तोड़ो। आए हाँ, सुबह हाय सुबह उठो, सुबह सुबह राम राम, हाय शाम को 100 ग्राम। गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। डॉली पंजाबन। यस, सो आज जो है माता जी हमारी जा चुकी हैं अपने घर वापस रेवाड़ी, और उनके बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। पूरा दिन जो है खास कुछ करने को था नहीं, और बच्चे भी बहुत मिस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे ही मिस कर रहे हैं। और वो कोई रहता है ना, फिर आदत हो जाती है ना, फिर खाली खाली सा हाँ, लगता है एकदम घर घर, उनके जाने के बाद जो है खाली खाली लगता है, काफी दिन लगता है। वैसे भी बहुत मुश्किल से आती हैं। हाँ, जल्दी से आ नहीं पाती हैं, आती हैं तो बहुत मुश्किल से टिक पाती हैं। खैर, ये भी है कि थोड़ा सोसाइटी का भी फर्क पड़ता है, उनको अपने घर का जिस हिसाब से उनका पड़ोसियों के साथ रहना है, और जो उनकी सहेलियां आसपास या जो उनका मन अपना जहां रह रहा होता है तो वहां मन लग वहीं का जाता है ना, यूज जो होता तो है। अब यहाँ पर मम्मी आती है मेरी, उनको वो कहते हैं कि और यहाँ हमें देखो कुछ, जबरदस्ती मन लगाना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, कोई जरूरत नहीं है ऐसे मन लगाने की, चाहे तो आप जा सकते हैं। अब क्या करें हम, कोई बताए कैसे छोड़ के अब हम ऐसा कोई जाएं, बंदिश नहीं है गाइस इनके ऊपर, जाना चाहे तो अभी जा है दो सकते बच्चे हैं जो पटरी को बांध कर रखे हुए हैं, ट्रेन की वो पटरियां होती है ना। आ तो बस सिर्फ बच्चे ही वजह रह गए हाँ, अपन मियाँ बीवी वो चीज है, चलना पूरी जिंदगी साथ में मगर मिलना नहीं। दोनों ने। तो बस फिर वही है, आज फिर आज कुछ खास काम करने के लिए आज ही था मुझे कोई नहीं। कह रहा था, मतलब मुझसे बड़े थे, दाढ़ी वाड़ी पूरी बढ़िया सी सफेद वफेद है, तो हाँ जी। मैंने उनको वही अपना डायलॉग मारा, मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ, तो आप नहीं हो? कह रहे हाँ, एक वक्त के बाद शादीशुदा आदमी ना कवारा हो जाता है। ओ हाँ अच्छा, हाँ तो उन्होंने ऐसे हाथ फेरा अपने, मगर ओ चलो उस कवारेपन का इंतजार रहेगा जब काली नहीं सफेद दाढ़ी होगी। मतलब बहुत मिस करते हैं लड़के लोग ना, ऐसे ही होते हैं ना, मतलब अरे भाई, हमें घर में आराम से ऐसे रहने की आदत है, ये सामान उधर, वो सामान उधर। हाँ, और अचानक से सब सिमटा हुआ, हम हैरान हो जाते हैं। हाँ, मैं जब इनकी अलमीरा लगाती हूँ ना गाइस, तो कहते हैं ऐसे अलमीरा मत लगाया कर, मेरे कपड़े ऐसे फ्रेश फ्रेश देख के मुझे घबराहट होने लगती है, घबराहट। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी के सामने किसको, किस अचानक बंदे से को? कोई हाँ देसी आदमी सामने कोई इंग्लिश मार दे, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, हमें समझ में नहीं आती। ऐसे ही हमारा हाल है कि हमारे कपड़े वपड़े सब सिमट जाएं, तो भाई साहब बिल्कुल ऐसे हो जाते, ये क्या हो गया हमारे साथ। जैसे मैं सिमटा के रखती हूँ गाइस, थोड़ी देर बाद बिल्कुल भी वैसे नहीं मिलती, हाँ और दोनों की नहीं मिलती। अभी तो दोनों पापा बेटा की बिल्कुल भी ऐसी अलमीरा नहीं मिलेगी, चाहे मैं कितनी भी जचा के रख तुम लूँ नहीं। अकेली क्या करोगी, उन 3 लोगों की पूरी मेजोरिटी हो जाएगी। आपको पता नहीं है हम अकेली लड़कियां ही आई है तुम्हारे घर में, ठीक सही है? बात, तुम लेके गए थे इतने सारे वो भी बराती, हस्तिनापुर से, वो भी हस्तिनापुर से। महाभारत। तो भाई, और कल ही चली आई मैं इनके घर में, तो फिर आप मेरी सही ताकत बात का है, अंदाजा लगा ही अंदाजा लीजिए। लगा सकते हैं, हाँ, तो बिल्कुल। ये तो क्या है, सभी लेडीज की ताकत का अंदाजा लगा ही सकते पर सब है। महाभारत वालियों का थोड़ा सा अलग होता, हाँ, तो हमसे जरा बच के ही रहना बच के चाहिए। बच के रहना रे बाबा, बच बच के के रहना रहना रे, रे, तुझ पे हस्तिनापुर नजर वाली है। से बच के रहना रे, पर हम तो नहीं बच सकते। हाँ, शादी के थोड़े दिन बाद मैंने कहा ये क्या हो गया रामा रे,
ये क्या हो गया मौला रे। हाय, मतलब इतने शादीशुदा तो सारे देखे हैं मैंने, लेकिन इतना शादीशुदा कोई नहीं देखा जितनी ये है। मेरे बेटे से कोई पूछता है ना, आपके पापा क्या क्या हैं, तो वो कहता है शादीशुदा। अब फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं रह जाता मैम के पास भी पूछने के लिए। कई हाँ मैम ने पूछा जब हम गुड़गांव रहते थे, तो वो पूछते थे बेटा आपके पापा क्या करते हैं, मेरे पापा शादीशुदा, मेरे पापा शादीशुदा है। बस हाँ फिर मैडम बताओ की अब क्या बोलती बोले, बंद, अब क्या पूछ सकते, अब शादी हो गई तो अब कुछ अब अब बेचारा क्या रहा, अब कहीं का नहीं रहा। कहीं का नहीं रहा। भाई साहब ने वो गाना तो सुना होगा, काचा बादाम काचा काचा बादाम, उसके बाद वो क्या बोलता है वो मुझे नहीं समझ में आता मैं है। बताता हूँ, हाँ कच्चा बादाम देखो कच्चा बादाम, आना पाना दीना डाला कच्चा बादाम, आना पाना दीना डाला कच्चा बादाम देखो कच्चा बादाम। हमने बहुत बार वो सुन लिया काचा बादाम, लेकिन वो जो बीच में गाता है ना वो समझ में नहीं आता। हाँ मेरे को लगता है वो ऐसे कहता है, आमर पाचे तो हमारे लिए काचा बादाम। मेरे तो इतने समझ में आया, आमा मेरे जा भी कर आमा ना पता जा नहीं है मैं कच्चा सही भी गा रही हूँ बादाम। कि नहीं। हाँ तो ये शायद है, कुछ भी चल रहा है यार आजकल इंस्टाग्राम पे, किसी को कुछ आता भी हो तो बताना भाई क्या बताना भाई, बोलता है कमेंट वो। पे लिखना कि क्या है हाँ ये काचा बादाम पूरा सॉन्ग, हाँ कम से कम पता तो चले कि गाता क्या है वो गाता काचा क्या है बादाम। वो, अब मूंगफलियां बेचता था वो, मूंगफलियों को काचा बादाम भगवान जाने क्या बोलता बेचता था क्या नहीं बेचता था, हमें तो ये समझ काचा बादाम मामा बा दादा मा का काचा हाय बा। हाय, बड़ा इरिटेटिंग हो गया था हाँ एक बार को, तो जब भी हमारा बेटा फोन खोलता और उसमें या हम खोलते तो बस काचा अति अति हर चीज की वो होती बादाम। है, बहुत ज्यादा सुन सही लो ना बात तो है। भर हाँ जाता है और एकदम ये कर ही देते हैं सोशल मीडिया पे ना, सारे कर। सॉन्ग्स जो है जब तक आपके दिमाग में यहाँ तक नहीं घुसे घुसा देंगे ना, तब तक मानेंगे नहीं। साजिश है इन हाँ लोगों की, तू साजिश बोलती रहे मैं मुझे सेट करता हूँ। जो कि इनकी आदत है हमेशा से। ओए एकदम तलवार वर्गी मुचियां मुच्छा जट दिया ना, जट दा मुंह इदा तो। साडा टोल। आए जब ना हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होते थे ना, तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था ना, मैं उस पे ना माता की कथा लिख के आ जाती थी। और कमाल की बात ये है गाइस कि मैं पास भी हो सही है जाती थी। बहुत बढ़िया। क्योंकि उनको ही शायद वो बीच में चेक ही नहीं करते थे, मैं बीच बीच में कथाएं डाल अरे इसी देती एजुकेशन से याद आया भाई, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया साउथ कैंपस में। भाई हाँ साहब उनकी जो डेट शीट आती है इतनी खतरनाक कि पता ही नहीं चलता कौन सा एग्जाम कब है। अच्छा हाँ कभी देखना दिल्ली में जो पढ़े होंगे बच्चे, उनको पता है कि उनकी डेट शीट कैसे आती है। मैं डेट शीट बहुत अच्छे समझ के गया एग्जाम देने, लेकिन जब वो पूछ देखा तो वो था किसी और का एग्जाम, मेरा एग्जाम कुछ और था। कुछ समझ में नहीं आया, आपके कुछ समझ में नहीं आया भाई कौन सा एग्जाम कौन सा है, बस सेंटर समझ में आया कि हाँ यहाँ जाना है। नो, हाँ भाई फिर बहुत कितना आया, खतरनाक। 0 100 में से 0 नहीं 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 100 में 0 नहीं आए है? 0 0 नहीं आती। वो तेरी वाली बात पता नहीं क्या क्या लिखाया उसके अंदर, चाचा चौधरी और ये और वो जितना भी था पर कोई नाम। भी राजा का चरित्र चित्रण हो ना, एक हाँ एक राजा का चरित्र चित्रण याद करती थी। सब राजाओं के चरित्र चित्रण में, सब सम्राट हाँ के चरित्र नाम चित्रण बदल में लो। वही डाल देते थे करेक्टर्स, उनका जो है वही बना देते थे। इतना दिमाग नहीं लगाया कभी भी हम लोगों ने। हाँ भरा तो मैंने बहुत था हाँ लेकिन मुझे रिजल्ट भी समझ में नहीं आया। अच्छा अरे बहुत खतरनाक है भाई दिल्ली की साउथ कैंप, बहुत खतरनाक है दिल्ली की ये डेट शीट आती है कॉलेज की। अच्छा हाँ मतलब जिसको डेट शीट अच्छे समझ में आ रही है ना इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है। अच्छा हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं तेरे नाम का टैटू एक और बनवा लूँ। यार कितना नाम लिखवाओगे, ऐसा तो दूसरी लड़की को प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको होने दो कोई बात नहीं, तो हाँ ये तो पूछ लिखवाएगा क्या, लिखवाओगे क्या? यहाँ लिखवाऊंगा गर्दन पे डोली का शिकंजा। आय हाय और पीछे लिखवाऊंगा नोट फॉर सेल। गॉड, सही रहेगा, मैं करने वैसे वाला भी हूँ तुम्हारे इसको को कोई सेल नहीं कर रहा है बर्थडे। हाँ भाई, पता नहीं पता नहीं है वो किस आजकल वो कई बार ओलेक्स पे न्यूज़ देखी थी, अपने हस्बैंड को ओलेक्स पे डाल दिया, किस गुस्सा आया ओलेक्स पे बेच दिया भाई। हाँ
कोई भरोसा नहीं है। और पता है वो क्यों बेका था? रीजन पता है आपको? नहीं। उसके हस्बैंड ने जो है उसको उसका मनपसंद जो है मोबाइल नहीं दिलाया था, दैट्स व्हाई। मैं बताओ तो भाई कोई भरोसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे नोट फॉर सेल तो लिखवाना पड़ेगा। ताकि कोई हमें ओलेक से देख के खरीदने आए तो देख ले नोट फॉर सेल है ना। भाई आप लोग भी लिखवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अपने अपने हस्बैंड के पीछे लिखवा लो नोट फॉर सेल। नहीं अगर कोई बेचना चाहे तो लिखवा लेना फिर 20% डिस्काउंट। अरे उसने तो बहुत सस्ते में बेच दिया था। बहुत तो चीप वाली उसने वो डील की थी अपने हस्बैंड की। तो अपने अपने हस्बैंड की कीमत अपने अपने हिसाब से लगा लेना। सारे हस्बैंड पकड़ के हमें मारेंगे। अच्छा तो तुम दोनों कुछ बोल नहीं सकते। आया, ये कैसा आदमी आया जो आदमियों के खिलाफ है। हाँ, सही बात है। हमारे को हमारी बीवी से कह रहे हैं बेच दो, बेच दो सब हमारे, बेच दो। वैसे तो सोच नहीं सकता मतलब कि यार हस्बैंड भी बिक जाएगा। है बिक जाएंगे, बिक जाएंगे। शुरुआत तो करो आप लोग। वो कहेंगे आप ही, आपसे ही करते हैं ना शुरुआत। मैं तो लिखवा लिया ना नोट फॉर सेल। कभी मेरी वाली बेकी दे है। कुछ पता नहीं है भाई दुनिया का, बच के रह। एडवाइस देने से पहले सेफ हो जाओ। तो मैं सेफ हो गया हूँ, आई एम नॉट फॉर सेल। पहले हो अपने अपने बेच दो, अपने अपने बेच दो। और क्या, पिटने वाला हूँ मैं बहुत ज्यादा। अब एक आदमी अगर एडवाइस मांग ली, दौड़ा दौड़ा के मारेगी पब्लिक। दौड़ा दौड़ा के कहेंगे तुम लोग वेलो के पास और कोई काम नहीं है हमारे पास, इस तरह की वाहियात, एक नंबर के वाहियात चीजें बोलते रहते हो तुम। ओके, इसको बेच दो, ये समझ नहीं आ रहा उसको बेच दो। गाइस गन देख रहे हैं कैसे घुमा रहा है ये, वाओ। ओए ओए ओ लोड करके मारिए ओ डेंजर।